ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन आने वाला है और बहुत से लोग सावन में पूरा एक महीना पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उनका पूजन अर्चन अभिषेक वगैरह करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें किन नियमों के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, उनका पूजन हमें किन नियमों के साथ करना चाहिए और विसर्जन के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा कौन सा वो उपाय है कि यदि विसर्जन के समय उसे हम कर लेते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का, उनके पूजन का, अभिषेक का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। और लिंग महापुराण के अनुसार और शिव महापुराण के अनुसार जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो जो मिट्टी लेकर आएं उसे क्यारे या गमले से लेकर आएं, मतलब ऐसे स्थान की मिट्टी होनी चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी ना की गई हो, और उसे लेकर आपको सबसे पहले उसमें गंगा जल डालना है, गंगा जल से उसे पवित्र कर लेना है। और ऐसा नहीं है कि मिट्टी आप आज लाएं और शिवलिंग कल बनाएं, मिट्टी अगर एक दिन पहले, दो दिन पहले या चार दिन पहले लाए हो तो उसी दिन जल का सिंचन होना चाहिए, मतलब गंगा जल उसमें डाल दें, छींटा दे दें, या बेलपत्र डले हुए जल से उसे छींटा दे दें। ये नहीं कि जिस दिन बनाएं उसी दिन सींचें, ऐसा नहीं होगा। मिट्टी पर तो पानी का छींटा उसी दिन लगा देना चाहिए जिस दिन आप शिवलिंग बनाने के उद्देश्य से मिट्टी लेकर आए हो। फिर भले ही आप शिवलिंग कितने दिन बाद ही बनाएं, पर उसी समय मिट्टी पर छींटा जरूर दे दें। और जब आप शिवलिंग का निर्माण करने जाएं तो थोड़ी देर पहले, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा पहले अपने रसोई घर में एक कलश में जल भरकर और अक्षत एक प्लेट के ऊपर रखकर कुछ समय के लिए छोड़ दें, और फिर उसी जल से शिवलिंग का निर्माण करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 24 घंटे में एक क्षण के लिए 33 कोटि देवी देवता और पितृ जो हैं वो रसोई घर में ज़रूर आते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मिट्टी से शिवलिंग बनाएं तो उसमें गाय का घी और गंगा जल जरूर से डाल लें। आप चाहें तो पंचामृत भी डाल सकते हैं और इत्र भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो दो वस्तुएं हैं वो ज़रूर डाल लें, क्योंकि इससे जो है वो मिट्टी से बने जो शिवलिंग होते हैं वो खंडित नहीं होते हैं जब हम उनका तरह तरह के द्रव्यों से अभिषेक करते हैं। तो इस तरह से आप सावन के पूरे सोमवार हर रोज़ शिवलिंग बनाकर पूजन उनका कर सकते हैं, या सावन के सोमवार में इस तरह से पूजन कर सकते हैं शिवलिंग बनाकर, या प्रदोष में, मासिक शिवरात्रि पर, या फिर किसी भी तिथि पर आप जिस पर भी शिवजी का पूजन करते हैं या करना चाहते हैं उसमें आप पार्थिव शिवलिंग का इस तरह से निर्माण करके पूजन कर सकते हैं। शिव पुराण में पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व बतलाया गया है। गौरी माँ ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही शिवजी की तपस्या की, पूजा की, अर्चना की और उन्हें प्रसन्न किया। और भगवान श्री रामचंद्र ने भी समुद्र तट पर जब लंका पर चढ़ाई की थी तो उससे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ का पूजन करके उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद लिया था। तो जो पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान है वो पुरातन काल से चला आ रहा है। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर थोड़े से बेलपत्र तोड़ लिए हैं, और ये गुड़हल के फूल है मेरे पास तो वो तोड़ लिए हैं। और देखिए, बेलपत्र आप उसी दिन ना तोड़े जिस दिन पूजन करें, उसके एक दिन पहले ही तोड़ लें। और ये देखिए अभिषेक की सामग्री है, उसमें मैंने कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, गंगा जल और एक लोटा शुद्ध जल लिया है। और इसके बाद देखिए, अब इस तरह से एक हम पात्र ले लेंगे। यहाँ स्टील का पात्र ले रही हूँ मैं, चूँकि स्टील का पात्र सबके पास होता है। आपके पास अगर कांसे का, पीतल का या तांबे का पात्र है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, मैंने यहाँ पीले चंदन से स्वास्तिक बना लिया है, अष्टगंध चंदन से। और इसके बाद देखिए, थोड़े से अक्षत डालकर अब हम जो शिवलिंग का निर्माण हमने किया है उसे इस प्रकार से विराजित कर लेंगे। यहाँ देखिए, पीतल के पात्र में बेलपत्र रख के मैंने शिवलिंग को विराजित किया है, आपको भी इसी तरह करना है। और जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए, कुछ इस तरह से आप शिवलिंग को स्थापित करें। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, जो बेलपत्र की डंडी की दिशा है वो भी उत्तर की ओर होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, हमने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर हम समस्त देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, क्योंकि शिवलिंग में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और शिव परिवार तो होता ही है शिवलिंग में। तो इस प्रकार से हम संकल्प लेते हुए समस्त देवी देवताओं का आह्वान करेंगे और ये पुष्प और अक्षत इस प्रकार से छोड़ देंगे। इसके बाद सबसे पहले शिवलिंग पर हमें 4 बार जल छोड़ना है, गंगा जल। 4 बार जल छोड़ने का अर्थ होता है कि हमने पहले उनके हाथ धुलाए, पैर धुलाए, कुल्ला कराया और फिर स्नान कराया। और इसके बाद कच्चे दूध से अभिषेक करूँगी मैं, और फिर इसके बाद साफ जल से, और इसी क्रम में हमें अभिषेक करना है, पहले उस वस्तु से, फिर साफ जल से।
तो दोस्तों शिव महापुराण के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन अर्चन अभिषेक वगैरह करने से धन धान्य आरोग्य और पुत्र की प्राप्ति होती है। वहीं पर मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। पार्थिव शिवलिंग के पूजन से अकाल मृत्यु का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। इसका निर्माण व पूजन कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े। तो दोस्तों इसके बाद देखिए हमने दीपक पर पुष्प अर्पित कर दिया है और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। और देखिए इस तरह से हमने शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दिया है और गुलाल अर्पित कर दिया है। शिवलिंग पर आपको रोली हल्दी कुमकुम सिंदूर ये वस्तुएँ अर्पित नहीं करनी है। तो दोस्तों शिव महापुराण के अनुसार इसका जो महत्व है वो बहुत अधिक बतलाया गया है। जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और विधिवत पूजन अभिषेक वगैरह करता है वो 10,000 कल्प तक स्वर्ग में निवास करता है और इसके साथ साथ इस लोक में और परलोक में अखंड शिव भक्ति को प्राप्त करता है। और शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से पूजन से सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से बेलपत्र अक्षत ये सभी वस्तुएं अर्पित करने के साथ साथ हम भाव वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे और यहाँ पर शमी का पत्र है तो इसके अर्पित करने का भी एक बहुत ही ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। अगर है आपके पास तो आप अर्पित कर दें। और ये देखिए कांटेदार फल होता है धतूरा, तो वो शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो भी शिवजी की प्रिय चीज़ें हैं जैसे आंकड़े का फूल आंकड़े का पत्ता जो भी आपको उपलब्ध हो जाता है आसानी से आप उससे पूजन कर सकते हैं। वरना आप सावन के महीने में शिवालय के आगे माली वगैरह बैठे होते हैं आप वहां से इकट्ठा बेलपत्र ले लें और बेलपत्र जो है वो 6 महीने तक बासी नहीं होता है। आप उसे रखकर स्टोर करके डेली का डेली शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए श्रृंगार के बाद और सभी प्रिय वस्तुएं अर्पित करने के बाद इस तरह से रुई में इत्र लगाकर हम अर्पित करेंगे और साथ में आपके घर पर जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो आप उसका भोग प्रसाद अर्पित करें। और यहाँ देखिए दूध से बनी हुई मिठाई का मैंने भोग अर्पित किया है, जल अर्पित कर दिया है और मुख शुद्धि के लिए लौंग इलायची सुपारी अर्पित कर दी है। और इसके बाद देखिए धूप से हम आरती कर लेंगे और इसके बाद कपूर आरती करेंगे। तो देखिए शिवजी के विसर्जन से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग का अगर आपने निर्माण किया है तो रात्रि से पहले आपको उसका विसर्जन करना ज़रूरी है। हाँ अगर शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप उसे पूरी रात्रि रख सकते हैं। हरितालिका तीज है, छोटी तीज है, बड़ी तीज है, कोई विशेष तिथि है या सावन का महीना है तो आप उसे पूरी रात्रि रख सकते हैं। बाकी के दिनों में बाकी के समय में तो शिवलिंग को सूर्यास्त से पहले आपको जल में या जलाशय में या किसी गमले में विसर्जित कर देना चाहिए। अब मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिसे आप विसर्जन के समय यदि कर लेते हैं तो भोलेनाथ निश्चित ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो देखिए जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो विसर्जन के समय जो जलाधारी है यानी जो जल गिरता है वो भाग है तो वो हमारी ओर होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से विसर्जित करें और विसर्जित करते करते उस जलाधारी का जो भाग है यदि आप उसे जल में देखते हुए अपनी मनोकामना बोल देते हैं तो वो जो मनोरथ है आपका वो निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। तो देखिए पार्थिव शिवलिंग के पूजन से अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से पूजन से बड़ी से बड़ी मनोरथ को पूर्ण किया जा सकता है। कलयुग के सबसे बड़े और दयालु देवता माने जाते हैं महादेव और सहज भाव से जो किया गया उनका पूजन है उससे वो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसी तरह के अन्य वीडियोज़ देखने के लिए।